स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड फर्स्ट। में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जो था हमारा स्किप काउंटिंग। क्या है चैप्टर 4 हमारा? स्किप काउंटिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में 2 टेबल किए थे, 2 एंड 3 का। तो फर्स्ट हम लोग टेबल कर लेते हैं, फिर हम स्किप काउंटिंग में करेंगे। तो हमने 3 तक टेबल किया था, तो आज हम 4 का टेबल करेंगे। 40। आपको भी मेरे साथ टेबल करना है। तो सेकेंड का थर्ड का टेबल हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो ये फोर्थ का टेबल है। सबको आते हैं ये, फिर भी आपको मेरे साथ बोल रहा है, जैसे नहीं आता है उसे लर्न करना है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, and 4 10 40। तो ये 4 का टेबल आपको लर्न करना है। तो ये 4 का टेबल फिर से एक बार कर लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, and 4 10 42। नेक्स्ट है 5 का टेबल। नेक्स्ट टेबल है 5। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 36, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, and 5 10 50। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, and 5 10 50। फिर से 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15,
फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव एंड फाइव टेन जा फिफ्टी, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव एंड फाइव टेन जा फिफ्टी। तो हमने वन टू फाइव का टेबल किया लास्ट वीडियो में, वन का तो सबको आते हैं, टू एंड थ्री का किया और आज फोर एंड फाइव का किया। तो अब जिसे भी वन टू फाइव में से टेबल नहीं आता है तो उसे अब वो फाइव टेबल तो आने चाहिए। वन टू एट टेबल हमने लिख लिए है तो सारे टेबल्स हर रोज आपको लर्न करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर फोर हमारा है स्किप काउंटिंग, वो हमने स्टार्ट किया था। तो आप अपनी नोट बुक में पेज नंबर है 93 किया था। फर्स्ट क्या किया था, कितने बोल से टू टू और आंसर क्या लिखा था फोर। सेकंड में कितने बोल से, फर्स्ट में कितने बोल से टू बोल से तो कितना लिखा टू विद और टू बोल, तो टोटल कितना हुआ। स्किप काउंटिंग इसे कहते हैं कि जो नंबर है आगे उसी नंबर में हमें प्लस करते जाने, उसे क्या कहते हैं स्किप काउंटिंग। टू का कर रहे हैं तो उसे नंबर लाइन में टू से क्या करना है, जंप करना है। वैसे भी हमने नंबर लाइन में कैसे कर किया था वो भी सीखा था हमने कि टू का अगर हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट टू से जंप करना है, मतलब डायरेक्ट टू। और अभी टू से हम डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे, डायरेक्ट टू की टू ही काउंट करके जंप करना है। तो डायरेक्ट हम टू से फोर तक, ऐसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर टू का स्किप काउंट नहीं कर रहे हम तो टू टू में प्लस करते जाने और टू में जंप करने हैं नंबर लाइन में। तो टू प्लस टू क्या होता है फोर। फिर इसे टेबल में कैसे सीखा था कि कौन सा नंबर है पहले वो चेक करना है। तो नंबर है टू और टू कितनी बार है, वन टाइम एंड टू टाइम, वन एंड टू। तो उसे टू क्या करना है मल्टीप्लाई, किसकी साइन है जो क्रॉस की साइन है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई टू मतलब टू का टेबल, टू टू जा कितना होता है फोर। तो मल्टीप्लाई से भी हमें आंसर मिला और यहाँ किससे मिला एडिशन से। तो ऐसे हम स्किप काउंटिंग में दोनों में हम आंसर हमें मिल सकते हैं, प्लस किया यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने क्या किया था, कितने बोल से फर्स्ट में टू, सेकेंड में भी टू एंड थर्ड में भी टू। स्किप काउंटिंग मतलब नंबर स्किप हो जाएंगे और जो नंबर है उसी नंबर में प्लस करते चले। टू है तो टू टू को ही प्लस करना है, उसे क्या कहते हैं स्किप काउंटिंग। अभी टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आंसर इज सिक्स। अभी इसे हम मल्टीप्लीकेशन मतलब टेबल में कैसे करेंगे, पहले कौन सा नंबर है वो ढूंढे, नंबर कौन सा है टू, तो टू लिखा मैंने ओके। उसे एक इसकी साइड है मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है। अभी नंबर है टू, अभी टू कितनी टाइम है, ए वन टाइम ए टू टाइम एंड ए थ्री टाइम। तो टू कितनी टाइम है थ्री टाइम, तो टू थ्री जा सिक्स। आगे आंसर दोनों में मल्टीप्लाई से भी आंसर आया एंड एडिशन से भी आंसर है। तो साइड में आपको टेबल भी लिख के जाने ताकि आपको ऐसे भी लिखना आ सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था टू है कितनी टाइम है फोर टाइम। टू को फोर टाइम प्लस करेंगे, ऐसे नहीं करना है टू टू ही करना है, पर अगर किसी को नहीं आता है तो ऐसे कर सकता है वन टू वन टू वन टू एंड वन टू, फिर सारे को प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो आंसर इज एट। अभी इसे हम और शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो पहले हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले हमें प्लस नहीं करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी आसानी से और फास्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर है
आपने अपने टर्म बुक में कर लिया होगा, साइड में इसे टेबल भी लिखते जाना है। तो अभी नेक्स्ट है टू कितनी टैबलेट, फाइव टैबलेट। Eight. Eight में two plus होगा तो eight. Eight में two
प्लस होगा तो अभी 8 में 2 प्लस होगा 10, 10 में 2 प्लस होगा 12, 12 में 2 प्लस होगा 14. कैसे आया 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. कैसे किया? 2 में 2 प्लस किया 4, अभी 4 में फिर से 2 प्लस हुआ 5, 6, 6 में फिर से 2 प्लस करना है 7, 8, 8 में कितने प्लस करना है 2, 9, 10, 10 आया, 10 में कितना प्लस करना है फिर से 2, तो 11, 12, 12 में फिर से 2 प्लस करना है 13, 14, आंसर इज 14. अभी उस मल्टीप्लिकेशन में भी कौन सा आंसर आना चाहिए? सेम 14 ही आना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? पहले कौन सा नंबर है? नंबर इज 2. कौन सा नंबर है? पहले नंबर है 2, और 2 कितनी 10 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो 2 7 कितना होता है? 2 7 14. तो 2 7 14. तो आ गया दोनों का सेम आंसर. यस, एडिशन से भी 14 आया एंड मल्टीप्लिकेशन से भी 14 आया. तो ये हमने जो किया वो हमारा राइट है. नेक्स्ट है, 2 कितनी टाइम है? अब अपने टर्म बुक में चेक कीजिए, 2 कितनी टाइम है? 8 टाइम है, चेक करो. तो कितनी टाइम है 2? 8. अभी 2 को 8 टाइम कैसे प्लस करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपको आ सकते हैं. तो पहले कौन सा नंबर है? नंबर इज 2. एंड 2 कितनी टाइम है? इसे मल्टीप्लाई करना है, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 2 कितनी टाइम है? 8 टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 2 से 2 मल्टीप्लाई 8, मतलब 2 8 का कितना होता है? 16. 2 8 का 16. अभी ये 16 इसमें भी आना चाहिए. कैसे आएगा? 2 में 2 प्लस होगा, 2 में 2 प्लस होगा 4, अभी और 2 प्लस होगा 6, और 2 प्लस होगा 8, और 2 प्लस 2 प्लस होगा 10, और 10 में 2 प्लस 12, 12 में 2 प्लस 14, एंड 14 में 2 प्लस 16. क्या किया? 2 में 2 प्लस किया तो क्या आया? 4. चेक करते हैं, 1, 2, उसमें 2 प्लस किया मतलब 3, 4, 4 आ गया. यस, अभी 4 में फिर से 2 प्लस करना है, 4 के बाद 5, 6, 6, यस 6 हो गया. अभी 6 में फिर से 2 प्लस करना है, 6 के बाद 7, 8, यस 8 हो गए. 8 में फिर से 2 प्लस करना है, 9, 10, 10 हो गया. यस 10 में फिर से 2 प्लस करना है, 11, 12, यस 12 में फिर से 2 प्लस करना है, 13, 14, 14 में फिर से 2 प्लस करना है, 15, 16, यस एडिशन से भी सेम आंसर आ गया 16. तो ये आपको टर्म बुक में कर लेने हैं, पेज नंबर 93 पे और साइड पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी करते जाने हैं कि फर्स्ट कौन सा नंबर है? नंबर इज 2. 2 कितने टाइम है? 1, 2, 3, 4, 5. तो 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब 2 5 जा 10. नेक्स्ट इज कौन सा नंबर है? 2. तो सबसे पहले 2, और 2 कितनी टाइम है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 2 6 जा 12. नेक्स्ट इज कौन सा नंबर है? 2. तो फर्स्ट 2 लिखा, और 2 कितनी टाइम है तो चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 7 जा 14. नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 2 ही है, और 2 कितनी टाइम है चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 8 जा 16. तो ये टर्म बुक में पेज नंबर 93 में कब कंप्लीट कर लेना है. तो ये हमने किसका किया? 2 का. अभी 2 कितनी टाइम है? पहले 2 है, पहले कौन सा नंबर है? 2. 2 को हमने 5 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 10.
फिर कौन सा नंबर है उसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, कौन सा नंबर है, नंबर इज 2 और 2 कितने टाइम में 5 टाइम, 2 5 का 10। नेक्स्ट इज 2 को हमने कितने टाइम प्लस किया, 6 टाइम, तो आंसर इज 12। तो कौन सा नंबर है मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, नंबर इज 2 और 2 कितने टाइम में 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, 2 6 का 12। नेक्स्ट है 14 कैसे आया, 2 को हमने कितने टाइम प्लस किया, 7 टाइम, तो उसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, टेबल में कौन सा नंबर है 2 और 2 कितने टाइम है 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 का 14। फिर कौन सा नंबर है 2 ही है और 2 को कितने टाइम प्लस किया 8 टाइम, 8 टाइम प्लस हुआ तो आंसर इज 16। उसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, कौन सा नंबर है 2 और 2 कितने टाइम है, तो 2 है 8 टाइम, 2 8 का 16। तो ये टर्म बुक में आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपको टर्म बुक में कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1। Fill in the answer by keep counting in 2. 2 का keep counting करना है number line का use करके। तो first आपको number line में भी दिखाना है। तो first आपके term book में से number line जो की हुई है, तो ये नंबर लाइन भी हमें दिखाना है।
तो नंबर लाइन में भी आपको दिखाना है, फर्स्ट नंबर दिया है नंबर वन, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू आपकी जंप में किया हुआ है, जीरो से डायरेक्ट जंप ही करना है टू टू का, तो जीरो से डायरेक्ट टू तक जंप किया तो आंसर इज टू, जीरो में टू प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा टू, तो फर्स्ट आपको आंसर लिखना है टू, आंसर इज टू, जीरो में टू प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा टू। नेक्स्ट टू नंबर है टू प्लस टू, टू को टू टेन प्लस किया, तो टू को टू टेन प्लस करेंगे तो क्या होगा, टू टू जा कितना होता है फोर, तो टू को टू टेन प्लस करना, टू में टू प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये टू है उसमें और टू प्लस करना है, वन टू थ्री फोर, तो टू में टू टेन, टू को टू टेन प्लस करेंगे तो टू टू जा फोर, तो आंसर इज फोर, टू को टू टेन प्लस किया तो आंसर इज फोर। तो इसमें कैसे जंप करना है, टू से डायरेक्ट टू टेन करना है, तो टू यहाँ पर आया उससे लेके डायरेक्ट जंप करना है कि डायरेक्ट क्या आएगा, आंसर इज फोर, जो आंसर है वहीं पर हमें करना है, टू को टू टेन प्लस किया तो टू प्लस टू आंसर इज फोर, यहाँ से ऐसे अगर करते तो वन प्लस एंड टू प्लस, टू टू को टू टेन प्लस किया तो आंसर इज फोर। नेक्स्ट है थ्री नंबर, टू को थ्री टेन प्लस किए, टू को कितनी टेन प्लस किए थ्री टेन, तो टू थ्री का कितना होता है टू थ्री का सिक्स, तो आंसर इज सिक्स, टू को कितनी टेन प्लस किया है थ्री टेन प्लस किया है, तो टू को थ्री टेन प्लस करेंगे तो आंसर इज सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आंसर इज सिक्स। तो अभी कैसे करना है, यहाँ से अगर क्या हुआ, यहाँ पर आंसर फोर आया, अभी फोर आंसर आया तो फोर, टू 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 टाइप किया था, अभी फोर्स में और टू प्लस करेंगे तो आंसर इज सिक्स। हम यहाँ बार बार नहीं कर सकते फिर से, इससे आपको ऐसे ही समझ जाना है, इतनी स्पेस भी नहीं है कि टू को थ्री टाइम प्लस किया है तो कैसे किया है, टू से स्टार्ट किया है, टू से वन टू एंड थ्री टेन प्लस किए तो आंसर क्या आया सिक्स। कैसे करना है, हम बार बार ऐसे टू से करेंगे तो इसमें होगा भी नहीं, आपकी जम में भी नहीं होगा, तो आपको कैसे याद रखना है कि टू को टू टेन प्लस किया, कैसे किया, यहाँ से वन एंड यहाँ से टू, टू को टू टेन प्लस किया तो फोर है, अभी फोर में और टू प्लस किया तो फिर फोर से डायरेक्ट जम करना है, तो फोर में और टू प्लस करेंगे तो आंसर इज सिक्स, आंसर इज सिक्स। अभी हम कैसे करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं पहले से कि थ्री टेन प्लस किया तो सिक्स है, वन टेन टू टेन है थ्री टेन, आपको ऐसे याद रखना है कि थ्री टेन प्लस किया तो आंसर सिक्स है, इसके ऊपर करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और टर्म बुक में होगा भी नहीं, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर हमने थ्री टेन टू को प्लस किया, कैसे किया, वन टेन हुआ टू टेन एंड थ्री टेन, तो टू को थ्री टेन प्लस किया तो आंसर इज सिक्स। नेक्स्ट है फोर नंबर, फोर नंबर में टू को फोर टेन प्लस किए, तो टू को फोर टेन प्लस किया, टू को हमने थ्री टेन प्लस किया तो आंसर सिक्स है, अभी सिक्स में एक ही टेन, हमें टू को नंबर लाइन में दिखाना है, सिक्स तो आ गया तो अभी सिक्स से एक ही टेन हमें टू को प्लस करवाना है, तो सिक्स में अगर टू प्लस होंगे तो सिक्स में टू प्लस होंगे तो कितना होगा सेवन एट एट, तो सिक्स से हमें डायरेक्ट कहाँ जंप करना है एट तक, तो हमें यहाँ पर कितना होगा टू 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 एंड टू, टू में टू प्लस हुआ फोर और प्लस फोर में टू प्लस होगा सिक्स एंड सिक्स में टू प्लस होगा एट, कितना होगा टू में टू प्लस किया टू थ्री फोर, फोर में टू प्लस किया फाइव सिक्स, सिक्स में टू प्लस किया सेवन एट, तो टू को हमने कितने टेन प्लस किया फोर टेन, और मल्टीप्लीकेशन में करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा नंबर है टू एंड कितने टेन प्लस कितने टेन है फोर, टू फोर टेन, टू फोर का एट, आंसर इज एट। तो यहाँ पर फोर नंबर में टू को कितनी टाइम प्लस किया, यहाँ पर कैसे
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या होगा? 2 को हम 5, 10 प्लस करेंगे तो आंसर इज 10। क्या होगा? आंसर इज 10। और 2 को मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? कौन सा नंबर है? 2। एंड कितनी टाइम है? 5 है। 2 5 जा 10। 2 5 जा 10। अभी यहाँ पर कैसे नंबर लाइन में दिखाएंगे? एट के बाद सिर्फ 2 ही प्लस करना है। 1 टाइम हो गया, 4 2 4 आया, 2 टाइम, 3 टाइम किया, 6 आया, 4 टाइम किया, 8 आया, अभी 5 टाइम, मतलब 8 से 1 टाइम करेंगे, मतलब कितना होगा? 10। और 5 टाइम प्लस हुआ, चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, यस, 2 को 5 टाइम प्लस किया तो आंसर इज 10। आंसर इज 10। नेक्स्ट है 6 नंबर। अभी 6 नंबर में 2 कितनी टाइम प्लस है? 6 टाइम। तो कितनी टाइम है? 6 टाइम। 5 टाइम प्लस किया था तो आंसर इज 10। अभी 1 और 10 प्लस करेंगे मतलब 6 टाइम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 8 टाइम करना है, 1 टाइम, तो डायरेक्ट 2 की जंप करना है, 11 पे नहीं लाना है, डायरेक्ट 2 टाइम जंप। तो 10 से 10 में 2 प्लस किया मतलब 11 एंड 12, तो आंसर इज 12। अभी 2 में 2 प्लस करेंगे, 2 में 2 प्लस किया तो 4, और 2 प्लस करेंगे, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 7, 8, 8 में 2 प्लस किया 9, 10, 10 में 2 प्लस किया 11, 12। तो 2 को हमने 6 टाइम प्लस किया, आंसर इज 12। और मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? कौन सा नंबर है? नंबर इज 2। एंड 2 कितनी टाइम है? 6 टाइम। 6 टाइम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस, 2 6 12। तो ऐसे भी आंसर आ गया, तीनों जगह से आंसर 12 12 12। मल्टीप्लिकेशन में भी, एडिशन में भी और नंबर लाइन में भी। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि 2 को हमने 2 टाइम ही प्लस कितनी कितनी टाइम प्लस किया है। तो ये इतना आपको टर्म बुक में पेज नंबर है 94, पेज नंबर 94 पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक करते हैं, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पांच का आपका होमवर्क है, चैप्टर 4, उसमें फर्स्ट पेज जो है ये वाला, वो टर्म बुक में से देख के 110 नंबर बुक में लिखना है, पेज नंबर 93, काउंटिंग इन 2, राइट इन 0 नंबर। या होमवर्क बुक दोनों बुक एक ही है तो 0 में भी बोले तो भी उसी बुक में करना है, होमवर्क बुक मतलब दोनों बुक एक ही है, 1 है। पेज नंबर 93 पे जो है काउंटिंग इन 2, वो आपको 110 नंबर में टर्म बुक में से देख के लिख लेना है, चैप्टर 4 पेज नंबर 93, काउंटिंग इन 2, राइट इन होमवर्क बुक। ओके, थैंक यू।